अस्सलाम वालेकुम गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम करने वाले हैं टेक्नो कैमन 16 का पबजी टेस्ट गेमिंग रिव्यू, और उसके अलावा इस डिवाइस से मैंने मल्टीपल और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया, लाइक फ्री फायर, यहाँ पर कॉल ऑफ ड्यूटी, असफॉल्ट 9, पबजी वगैरह को मैंने डाउनलोड कर लिया, यहाँ पर वो भी टेस्ट करेंगे। इस डिवाइस का रियल टाइम में एंड टू टू बेंचमार्क स्कोर कितना निकल गया था वो भी टेस्ट करेंगे। डिवाइस हीटअप होती है कि नहीं होती, यहाँ पर आपको G90T प्रोवाइड किया, चिपसेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हीटअप होता है कि नहीं होता वो भी अभी के अभी चेक कर लेंगे। उसके अलावा अगर आप इस डिवाइस को जस्ट गेमिंग के लिए बाय करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप कंप्लीट देख लेना, इस वीडियो में आपको क्लियर तरीके से बता दूंगा ये डिवाइस सीटअप होती है, यहाँ पबजी के लिए कैसी है, नॉर्मल डे टू डे यूज़ के लिए ये डिवाइस कैसी है, कोई इशू तो नहीं आपको क्रिएट करेगी। और उसके अलावा ये भी चेक करेंगे यहाँ पर गेम कितने FPS पर चलती है, यहाँ पर FPS ड्रॉप होता है, फ्रेम रेट ड्रॉप होता है कि नहीं, मैक्सिमम कितनी सेटिंग पर यहाँ पर गेम प्ले कर सकते हैं। उसके अलावा एक छोटी सी डिवाइस आपके लिए ये है, अगर आप इस डिवाइस को लें तो लाजमी इस पर एक केस यूज़ जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस पर TPU केस यूज़ नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो हाथ के निशान है ना वो बहुत जल्दी लग जाएंगे और उतरेंगे भी नहीं इतनी जल्दी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जरूर केस यूज़ कीजिए। ये आपकी डिवाइस टेक्नो कैमन 16। सबसे पहले ब्राइटनेस की बात कर लें तो ब्राइटनेस मैंने थोड़ी सी कम की है, उसकी मेन वजह यह है कि अगर फुल कर देंगे तो इशू बन जाएगा, अच्छी तरह डिस्प्ले आपको नजर नहीं आएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसके एन टू टू बेंचमार्क स्कोर आपको दिखा दूं लाइव के, इसके एन टू टू बेंचमार्क स्कोर कितने निकल जाते हैं। नॉर्मल रूम टेम्परेचर में इसका जो एन टू टू बेंचमार्क स्कोर है वो निकल जाता है अराउंड 291,000 के आसपास निकल जाता है। सो अभी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पबजी को और देखते हैं कि ये कितना टाइम लेती है स्टार्ट होने में। देन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या इस डिवाइस को आपको बाय करना चाहिए गेमिंग के लिए, फर्स्ट एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। देन आपको ये भी बता दूँ कि डिवाइस पर मैक्सिमम कितने ग्राफिक्स पर आप गेम खेल सकते हैं। और उसके अलावा गेमिंग के लिए किसी भी मोबाइल फ़ोन की मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इस मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले, तो यहाँ पर आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड किया गया है, उसको भी सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली गेम को कम्प्लीटली स्टार्ट होने में जस्ट 30 सेकेंड लगे हैं। अब देखते हैं कि गेम को फुली स्टार्ट होने में कितना टाइम लगता है, ताकि हम ये भी चेक कर सकें कि फुली स्टार्ट होने में कितना टाइम लगता है। सो दोस्तों फाइनली गेम को फुली स्टार्ट होने में लगे हैं जस्ट और जस्ट 57 सेकेंड। नेट की अगर स्पीड की बात करें तो नेट की स्पीड भी ठीक है। अगर अभी तक फर्स्ट ऑफ ग्राफिक की बात करें तो यहाँ पर ग्राफिक बहुत ज़्यादा स्मूथ है, और अगर मेरे फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो यहाँ पर ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे निकल के आए हैं। यहाँ पर अगर आप देखें ग्राफिक्स की क्वालिटी को तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल रही है। प्लीज़ अवॉइड करना मेरी वॉइस को, थोड़ी सी इशू आएगा, उसकी मेन वजह ये है कि मैं अभी सुबह सुबह का टाइम है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ये भी इशू आएगा। उसके अलावा बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट चल के, यहाँ पर मैक्सिमम कितने ग्राफिक्स अगर आप खेल सकते हैं। ग्राफिक्स पर जाएं तो यहाँ पर आपके पास HD और हाई का ऑप्शन अवेलेबल है, HDR का नहीं, और बेस्ट यहाँ पर स्मूथ प्लस अल्ट्रा HD होगा। यह स्मूथ प्लस अल्ट्रा पर आप खेल सकते हैं और बैलेंस प्लस अल्ट्रा पर भी खेल सकते हैं। यहाँ पर जायरोस्कोप की बात करें तो वो भी अवेलेबल है, वो भी इसको ऑन कर लिया हुआ हमने, और जायरोस्कोप भी अभी नेक्स्ट आपको चल रहा था। अभी चेक करते हैं कि गेम के अंदर जाके कुछ गेम को प्ले करेंगे और देन देखेंगे कि यहाँ पर क्वालिटी कैसी निकल जाती है। डिवाइस लैग तो नहीं करती इस डिवाइस से, मैं काफ़ी दिन से पबजी खेल रहा हूँ, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ नेक्स्ट चल के आपके साथ, क्योंकि ये डिवाइस मेरे पास काफ़ी टाइम पहले की आ चुकी है। इधर वो भी चेक कर लेंगे कि यहाँ पर कोई इशू तो नहीं आता। यहाँ पर अगर बात करें सेंसिटिविटी की तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, और बाकी ओवरऑल फीचर की बात करें तो ये डिवाइस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। एन टू टू बेंचमार्क स्कोर ठीक ठाक निकल के आता है। उसके अलावा बात करें डिवाइस में अच्छा चिपसेट आपको प्रोवाइड किया गया है, डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है। अभी कुछ गेम प्ले करते हैं और देन देखते हैं कि क्या ये डिवाइस लैग वगैरह करती है कि नहीं करती। यहाँ पर बात करें डिवाइस की स्मूथनेस की तो डिवाइस की स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर आई थिंक सो हम गलत एरिया में आ गए हैं और काफ़ी ज़्यादा दूर इसने लैंड करवा दिया, ये लैंड करवा दे वाले भैया ने। उसके अलावा वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपने भी अपना ओपिनियन लाजमी देना है कि क्या ये डिवाइस वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। और यहाँ पर मैं बेसिकली मैंने अकाउंट लॉगिन किया हुआ था तो भाई यहाँ गोली भी पड़ेंगी, यहाँ पर ऑब्वियसली बात है भाई गोली भी पड़ेंगी क्योंकि अकाउंट लॉगिन किया हुआ था टेस्टिंग वाला। और अभी देखते हैं कि क्या सीन होता है नेक्स्ट चल के, क्योंकि यहाँ पर सीन बहुत गंदा होने वाला है। उसकी मेन वजह ये है कि मैंने अकाउंट लॉगिन कर लिया हुआ है, और देखते हैं कि अभी बहुत बुरा सीन होने वाला पबजी भी आपके भाई का। सो गाइस सीन ये चला कि लास्ट गेम में ना हमारा इंतकाल हो गया और अब आ गए हैं दोबारा न्यू गेम के साथ। और यहाँ पर अभी मैंने कोशिश करूँगा कि एक ऐसे एरिया में जाएँ जहाँ पर एनिमी ज़्यादा हों, और बेसिकली ये अकाउंट लॉगिन है तो इस वजह से सीन ये हो रहा है कि एनिमीज असल मिल रहे हैं और बॉट वगैरह नहीं मिले हमें। लास्ट जो हम प्रीवियस कर रहे थे पबजी टेस्ट वहाँ पर बॉट डे और हम बहुत खुश होते थे के 5-6 को किल करके, लेकिन यहाँ पर असल एनिमीज मिल रहे हैं। और जी जी वो मैं कुछ और कहने लगा था, लेकिन नहीं हम ट्राई करते हैं कि हम सर्वाइव करें। यहाँ पर जाकर फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ गन्स उठाते हैं और देन देखते हैं कि
क्या बनता है। उसके अलावा ग्राफिक्स की बात करें तो यहाँ पर क्वालिटी काफी ज्यादा बेटर निकल के आ रही है। 1080p की डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है जिसको मैंने 90 हर्ट्ज़ पर ही सेट किया हुआ है। और उसके अलावा G90T का चिपसेट है। हीटिंग इश्यूज डिवाइस में अभी तक के लिए मुझे कोई भी नज़र नहीं आया, समझ कोई भी इशू नहीं नज़र आया। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अगर ओवरऑल बात करें तो ये डिवाइस अब नॉर्मल डे टू डे यूज़ के लिए तो कोई भी इशू नहीं ये डिवाइस आपको करने वाली। वैसे पबजी टेस्ट में और भी टेस्ट कर लेते हैं बाद में, अभी इसको थोड़ी जरूर खेल लेते हैं। और कुछ और भी एसफॉल्ट लाइन वगैरह के कुछ दोस्त कह रहे थे कि ऐड करना, वो भी टेस्ट वगैरह ऐड कर लेते हैं। अगर पबजी की बात करूँ तो पबजी के एंड पे मुझे किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं नज़र आया। अभी यहाँ पर शो तो हो रहा है कि एनिमी है, पता नहीं किधर है, वो भी अभी चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पर मैप में तो शो हो रहे हैं और अभी जाके इसको किल करके आते हैं और चेक करते हैं कि क्या वाकई है। वो है मिल गया। एक नहीं है दोस्त, ये किल होगा मेरे हाथ से, मरेगा ये मरेगा मेरे हाथ से। नहीं यार ये तो उल्टा सीन हो गया, इसने तो मुझे मार दिया, ये तो बहुत गलत सीन हो गया। वैसे मैं तो इसे मारने आया था लेकिन है। अगर अगर बात करें तो इस डिवाइस में मुझे कोई भी हीटिंग इशू नहीं आया सच। यहाँ पर 25-30 मिनट अभी मैंने गेम प्ले की है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं आया, फ्रेम ड्रॉप वगैरह का कोई सीन नहीं है, ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे निकल के आए हैं, हीटिंग इशू कोई नहीं है, जायरोस्कोप अच्छी तरह वर्क आ रही है, लैग लुक कोई नहीं है। तो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आप पबजी के लिए इस डिवाइस के साथ जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। चिपसेट अच्छा है, हीटिंग इशू नहीं आपको आएगा एज सच। अगर आप बहुत ज़्यादा 8-8 घंटे 6-6 घंटे गेम प्ले करेंगे तो उसका मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने 6 घंटे इस पर गेम प्ले नहीं की, मैंने 1-1.5 घंटे की है, लेकिन मुझे किसी किस्म का कोई भी इशू यहाँ पर देखने को नहीं मिला ऐसा इशू। बाकी अगर आप ओवरऑल बात करें तो आप इस डिवाइस के साथ जा सकते हैं गेमिंग डिपार्टमेंट में। अभी इस फॉल्ट लाइन का भी कुछ चेकआउट कर लेते हैं और देन देखते हैं। नो अभी यहाँ पर फॉल्ट लाइन भी चेकआउट कर लेते हैं, यहाँ पर कैसे ग्राफिक्स निकल के आते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर बात करूँ तो मैंने इसको मैनुअल पर सेट कर लिया है ताकि मैनुअल भी पता लग जाए कि इसकी क्वालिटी कैसे निकल के आती है। ये हमें यूज़र गाइड दे रहा है और यस 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 ये हमें साथ साथ दिखा भी रहे हैं कि कैसे आपने, और यहाँ पर बेसिकली ये गाइड भी कर रहे हैं कि कैसे आपने इसको यूज़ करना है कंट्रोल्स को। अगर बात करें यहाँ पर ग्राफिक्स की तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स निकल के आ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखिए क्रिस्पी किस्म के यहाँ पर आपको ग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं, कोई भी किसी किस्म का ऐसा इशू नहीं आ रहा है। यहाँ पर कंट्रोल्स काफ़ी अच्छे वर्क कर रहे हैं, मुझे गेम खेली नहीं आती, एक अलग बात है। यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छी तरह से ये वर्क कर रही है। फॉल्ट लाइन भी ये भी कुछ देर खेलते हैं और ये भी चेकआउट करते हैं कि यहाँ पर ड्रिफ्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है। यहाँ पर ड्रिफ्टिंग की बात करें, ड्राइव काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रही है मेरी, लेकिन मुझे कंट्रोल नहीं करने आ रहे क्योंकि मैंने कभी इस फॉल्ट लाइन को भी नहीं खेला। यस मैं गेम से बहुत ज़्यादा दूर रहता हूँ। और यहाँ पर बात करें फोर्थ पोजीशन पर फिर भी आ गए हैं। अगर बात करें यहाँ पर ग्राफिक्स की तो ग्राफिक काफ़ी ज़्यादा अच्छे निकल के आए हैं इस फॉल्ट लाइन के भी। एक और गेम कर लेते हैं और देन चेकआउट करते हैं किसी अच्छे तरीके से कैस फॉल्ट लाइन हमारे से नेक्स्ट कैसे चलती है। अभी एक और गेम प्ले कर लेते हैं और देन देखते हैं कि यहाँ पर ग्राफिक्स कैसे निकल के आते हैं, कंट्रोल कैसे हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, लाइट आ गई रिंग लाइट बीच में तो काइंडली इसको ना बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि उसकी मेन वजह यह है कि मैंने इसको जब मूव करना है तो फिर सीन। यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम किस्म के ग्राफिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, डिवाइस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ तरीके से वर्क कर रही है और गेम प्ले भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। यहाँ पर ड्रिफ्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है और यहाँ पर देखिए कंट्रोल भी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो रहे हैं। आल दो मुझे आपको ऑलरेडी बताया कि गेम खेली नहीं आती ये वाली वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर बात करें ड्रिफ्टिंग की तो ड्रिफ्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है। और उसके अलावा यहाँ पर देखिए कंट्रोल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो और मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड कर सकता हूँ कि अभी आप इस डिवाइस के साथ जा सकते हैं गेमिंग के लिए। यहाँ पर कोई भी किसी किस्म का ना फ्रंट साइड पर हीटिंग इशू आया ना बैक साइड पर हीटिंग इशू आया किसी किस्म का भी, तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस डिवाइस के साथ जा सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताने हैं। इस पर मैंने फ्री फायर भी खेली है और दूसरी कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेली है, लेकिन उसका गेम प्ले यहाँ पर ऐड किया तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मेरे ओपिनियंस अगर बात करें फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है गेमिंग के लिए, आप इसके साथ जा सकते हैं। किसी किस्म का ऐसा मुझे इसमें हीटिंग इशू नज़र नहीं आया। और उसके अलावा आपके क्या ओपिनियंस हैं इस डिवाइस के बारे में आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।